गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर EVS क्लास। वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर 1, सम ऑर्गन सिस्टम, इन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स विच आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स, एंड आई हैव गिवन एग्जाम्पल ऑफ सम ऑर्गन सिस्टम इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। इन डाइजेस्टिव सिस्टम यू हैव सीन द You have seen about the mouth. Today we will see the next topic, which is the small intestine. In previous class I have also discussed about the food pipe and the stomach. Okay, so let us begin with the small intestine. Look here in this picture. This is a small intestine. You are looking here that it is in coil shape, है ना। A small intestine जो होता है वो coil shape होता है, and it is very long, है ना। ये काफ़ी लंबा होता है और ये हमारे stomach के नीचे, है ना, ये stomach के नीचे वाले portion में, इस portion में आप देख रहे हैं एक long tube के form में, ये बिल्कुल coiling के रूप में, coil का मतलब जैसे हमारा ये a small intestine भी जो है वो अंदर में फोल्ड रहता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दिस इज द लास्ट पोर्शन वेयर द फूड डाइजेस्टेड कंप्लीटली। ओके, दिस इज आवर स्टमक एंड फ्रॉम हियर, लुक हियर, दिस इज द कनेक्टिंग विच कनेक्ट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द स्टमक एंड फूड After the digestion, it goes into the small intestine. In a small intestine, juice comes from the liver and through the pancreas, है ना। लीवर से होकर के जूस जो आते हैं वो बाइल जूस होता है, एंड पेनक्रियाज से जो जूस होकर के आते हैं वो पैनक्रियाटिक जूस होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्टमक से जो गैस, जो जूस जो आके के निकलते हैं, डैट आर हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl, है ना। इसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस के नाम से भी जानते हैं। स्टमक में जो जूस बनता है, डैट इज द गैस्ट्रिक जूस। पैनक्रियाज से जो जूस आकर के लीवर में आकर, सॉरी, पैनक्रियाज से जो जूस आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, डैट आर पैनक्रियाटिक जूस। एंड लीवर से जो जूस आकर के निकलता है वो होता है बाइल जूस होता है ना। वो क्या करता है कि फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर फूड जो है बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म में। इतना वो पतला हो जाता है कि इससे लगे हुए जो स्मॉल ब्लड कैपिलरीज होते हैं ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज होते हैं। वॉट इज द ब्लड कैपिलरीज? ब्लड कैपिलरीज जो होता है वो छोटे छोटे वेन्स होते हैं, या फिर अब बहुत छोटे छोटे, मतलब नस कह सकते हैं, होता है वो ब्लड का ट्यूब होता है। उस ट्यूब्स के द्वारा जो है वो फूड पार्टिकल्स जो यहाँ पे जो बिल्कुल डाइजेस्ट हो चुका है, जो बिल्कुल पच चुका है ना, वह बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो चुका है, ये फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस ब्लड कैपिलरीज के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद जो वो ब्लड में मिक्स हो गया, अब ये ब्लड से होकर के ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक उसको पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से फूड जो है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा करके हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, लेकिन एनर्जी देने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट टॉपिक हाउ इट डज। तो यहाँ पर जब फूड जो है पूरी तरह से जब डाइजेस्ट हो जाता है, तो कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि अनडाइजेस्टेड होते हैं। अनडाइजेस्टेड का मतलब होता है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो ब्लड में मिक्स नहीं हो पाया, है ना। तो वैसे फूड का फिर क्या होता है? दे आर पुशेस इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लुक लार्ज इंटेस्टाइन, बाहर से आप देख पा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। वाई इट इज कॉल्ड अ लार्ज इंटेस्टाइन, जबकि सबसे लंबा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसको कहते हैं स्मॉल। और इसका साइज आप देख रहे हैं कि ये इसका लेंथ जो है काफ़ी कम दिख रहा है, लेकिन इसके बाद भी इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। वाई? इसके पीछे रीजन ये होता है ना कि इसका जो
जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसका डायमीटर है ना, डायमीटर जो होता है वो काफ़ी कम होता है। लेंथ इसका ज़्यादा होता है लेकिन डायमीटर इसका कम होता है, यानी इसका चौड़ाई। यहाँ पर आप देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये इसका डायमीटर, अगर इसको आप इसका अगर क्रॉस सेक्शन अगर आप देखेंगे, क्रॉस सेक्शन का मतलब अगर इसको आप यहाँ से कटिंग करेंगे तो इसका जो चौड़ाई होगा वो ज़्यादा होगा, सो इट इज़ कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो यहाँ पर जो है ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो यहाँ पे पुश कर दिया जाता है, इसको यहाँ पे ढकेल दिया जाता है, और ढकेलने के बाद जो है इस वाले पोर्शन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वाटर की, है ना, तो वाटर को ये क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है और ये पेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको ये पेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है ना। और ये यहाँ पे कुछ स्मॉल बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो इस अनडाइजेस्टेड फूड को जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको वो क्या करते हैं, उसको वो स्टूल के रूप में या फिशेस के रूप में, फिश का मतलब होता है स्टूल, स्टूल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, और स्टूल के रूप में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है कि वो इस पोर्शन में, दिस इज कॉल्ड एनस, है ना, लुक हियर, दिस इज कॉल्ड एनस, दिस एरिया इज कॉल्ड एनस। यहाँ से क्या है, फूड को फिर जो है वो मॉर्निंग में जब आप खाना खाने के बाद अब रात में खाते हैं, सुबह में आप जब फ्रेश होने के लिए जाते हैं, इट कम्स आउट थ्रू द बॉडी फ्रॉम द एनस, एनस के थ्रू जो है वो हमारे बॉडी के द्वारा बाहर की ओर फेंक दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। दिस इज अ टॉक्सिक प्रोडक्ट एंड इट इज नेसेसरी टू थ्रू आउट फ्रॉम द बॉडी, है ना, बॉडी से इसका निकालना जरूरी होता है। ओके, आई थिंक दैट द डाइजेस्टिव सिस्टम इज क्लियर टू यू, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। सो सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी का मतलब होता है, रेस्पिरेशन वर्ड से ही बना है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है। हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ये पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि हम लोग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, एंड वाई वी नीड ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन कंबाइंस विथ फूड, ऑक्सीजन कंबाइन विथ फूड एंड इट चेंजेस इन टू द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वेपर एंड एनर्जी, है ना। विदाउट ऑक्सीजन फूड कैन नॉट चेंज इन टू द एनर्जी, वाटर, वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सो ऑक्सीजन इज वेरी मच एसेंशियल थिंग्स फॉर आवर बॉडी एंड इट कम्स आउट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इन इन्वायरमेंट देयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, आपने इसे क्लास 3 में भी पढ़ा है, क्लास 4 में भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिक्सचर होता है। जब हम लोग इसको सांस लेते हैं, हमारे नोस्ट्रिल से ये गैस जो है हमारे बॉडी के अंदर में चले जाते हैं, और वहाँ पे लंग्स में जाने के बाद जो है ऑक्सीजन को पिकअप कर लिया जाता है ना, छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज होते हैं वहाँ से उसको ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक उसको पहुंचा दिया जाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, डैट इज नोज, विंड पाइप एंड, यहाँ पे आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हियर इज अ नोज, दिस इज अ विंड पाइप एंड दिस इज अ लंग्स, एंड लुक हियर, विंड पाइप इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, दिस पार्ट इज कॉल्ड अ ब्रोंकस, है ना, इस पार्ट को ब्रोंकस कहते हैं। नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स, विंड पाइप एंड ब्रोंकस के बारे में हम लोग एंड लंग्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, एंड व्हाट इज योर होमवर्क, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, है ना, आपको ये डायग्राम होमवर्क में बनाना है। ओके, थैंक यू, वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास।